कैसे हैं आप लोग? मम्मी से बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बताइए कैसा क्या चल रहा है? सारे फेस्टिवल्स तो हो गए, तुलसी माँ की कृपा बनी रहे, पूजा पाठ सब चल ही रहा। ठंडक भी आ गई है भाई, कभी ठंडक है कभी गर्मी है। बाहर निकलिए तो ठंडक है, अंदर नहीं ठंडक है। मेरा काम शुरू है, बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। सिक्स पे 10 मिनट बैठा है, फिर उसे खाना दिया, किचन साफ ही कर रहे थे, उसके बाद बर्तन वर्तन थोड़े से धोए। और अभी बड़ा बेटा नहीं आया है, छोटे वाले को भेजा है, थोड़ा सा काम था। मानो फोन करके देखो अभी काफी कहाँ तक पहुँचा। बड़े वाले को फ़ोन करा, उसका स्विच ड्रॉप बता रहा था तो बहुत दिल घबरा गया। फिर उसके फ्रेंड को फ़ोन करा तब पता चला कि हाँ वो कॉलेज से निकल रहा है 7 o'clock पर। तो अब बजने वाला है 8:15 होने को है। तो छोटा बेटा तो खाना खा ही चुका है, उसका तो मुश्किल है, बड़ा आते ही खाएगा। टिफिन भी नहीं ले गया था, बस थोड़ा सा नाश्ता तो करा ही देती हूँ, तो 2 पूड़ी खिला दी थी, वो खा के गया था। टिफिन पैक करके लेके गए बाहर, तो बोला कि नहीं ले जाऊँगा, आज टाइम नहीं मिलेगा। फिर अब वो निकले हैं तो बाहर रहे होंगे। 7:15 के करीब फ़ोन करा था, मम्मा मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, बता तो दिया करो, मेरा मन जो है अजीब सा होने लगा। उनको भेजा है मार्केट, आ रहा है वो, आ गया लगभग, बड़ा वाला भी आ रहा होगा। थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ, जो जो जितना खाएगा खा लेगा, छुट्टी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का कैप्चर कर रही थी तो सूर्य देवता निकल आ चुके थे, ऑरेंज थे। छठी माई की पूजा चल रही थी, उसी में हमने कहा इनका इतना सुंदर रूप। जैसे गेट खोला तो वैसे ही देखा, अरे कुछ डॉगी लेटा हुआ था और अपने बेटे को उस पर बिठाए हुए थे, खड़े थे। ओके ये भी सही है। सफाई चाय पानी हो जाए। ये हो रही है बच्चों के जाने की तैयारी, भागम भाग होती है कि जल्दी से पैक भी करना है, नाश्ता भी दे दूं। बज रहा है 7:30। मैंने जा रही थी सोया मेथी बनने लगी, ये क्योंकि खाएगा नहीं, बाद में छोड़ दूंगी। थोड़ा मैं भी सूरत दिखा दूं, हाय हेलो बोल दूं, आगे दिखाने सूरत, हेलो जी। लेकिन ग्रेवी दे दो तो वो मन से खुश होता है, दिल से खा लेता है। तो वही का कोशिश तो यही रहती है कि दोनों को दोनों तरीके का दे पाऊँ। तो एक को तो चावल,
दूसरे को वो सब्जी रोटी रोटी पराठा कुछ भी दे दो। एक लॉट रख दिया था, दूसरा बच्चों का है, एक मेरा है बस, और मशीन में धुल रहा है। अब ये शाम के समय का है, फ्रेंड का फ़ोन आया था, उससे बात बात करी, फिर ये अपने कपड़े उठा के लाई ऊपर से रखा। थी भाभी हैं तो बोली मेरे तो बादल आ गए, तो मैंने कहा चलो देखते हैं मेरे यहाँ भी आ गए होंगे, फिर जल्दी से उतार के लाई, फिर तब तक हस्बैंड भी आ गए, फिर उनका अचानक में सब होता है, तो हमने कहा अब आप आराम करिए, खाना वाना बताइए, तो बोले नहीं चलिए, मुझे सामान भी लेना था, तो ले गए। 6 बज रहा है, बोले 7 तक निकल लो हर हालत में, तब तक मैं रेस्ट भी कर लेता हूँ। फिर रेस्ट वेस्ट किए, तब तक मैं अपना किचन में सब समेट के, बेटा आया था उसे खाना दिया, दूसरा आया था तो वो बोला अभी खाएंगे नहीं, बच्चों का ठंडक भर यही चलता है। गर्मियों में तो आ जाते हैं, 1.5 पे आ जाते हैं, 2.5 पे आ जाते हैं, 3 पे आ जाते हैं, ठंडक में यही जा रहा है, तो ठीक है जैसा है वैसे ही रहेगा। तो मैं गई हूँ थोड़ा सामान लेने, थोड़ा सामान लेने जाइए चाहे ज़्यादा जाइए, जब पहुँच जाइए तो पूरा राउंड पूरे मॉल में तो लगना ही लगना है। अब जेंट्स को तो इतना नहीं होता है ललक, वो तो जो अपना सामान लिए और चल दिए, लेकिन हम लोगों को सब कुछ देखना होता है। मेरा ख्याल है मेरी ही नहीं, सारी लेडीज़ों की ये प्रॉब्लम है, सब कुछ देखना। जो चलने में कमज़ोर होंगी वो भले, लेकिन हम लोग को शक्ति मिल जाती है जब कोई कुछ देखना होता है, ख़रीदना होता है। विंडो शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, देख के तो लेने का मन हो जाता है। 400 में थी, 2 थी डॉल, प्यारी थी, तो बार बार मेरा मन हो मैं उठाऊं, फिर मैंने सोचा अच्छा छोड़ो, फिर सब घूम घाम के ले ला के थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान चले आए। और आपसे फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।